بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم नाजरीन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन नाइन में लाहौर कलंदर और कोटा ग्लैडिएटर के दरमियान खेले गए मैच में कोटा ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दे दी ये लाहौर कलंदर की मुसलसल दूसरी शिकस्त और कोटा की जीत में नया उभरता हुआ टैलेंट ख्वाजा नाफे ने अहम करदार अदा किया और बेहतरीन बल्लेबाजी से पाकिस्तान समेत इंडियन मीडिया को भी वरता हैरत में डाल दिया है इस कारदगी पर इंडियन मीडिया का क्या रदल है आइए देखते हैं इस वीडियो में फिर इस पर बात करते हैं दूसरा मुकाबला जो है वो हार गई है यहाँ पर टीम आपके लिए

डूब मर इस पानी चुल्लू भर पानी में मतलब कि हदे पार हो गई यार बच्चा आके ठोक गया प्रीति सिंटा की शक्ल वाला डिम्पल पड़ रहे गड्ढे पड़ रहे गालों में तुम्हारे गड्ढे हाथों में फील्डिंग हो नहीं रही बोलिंग करा नहीं सकते एक बात बताओ जब एंड में भी थोड़ा सा बहुत था कि भाई हम कुछ कर लेंगे उसने टेपिया को छक्के मार दिए दो शाहीन शाह आफरीदी आए हफ एंड पफिंग है ना हाफते हाफते आ रहे हैं शाह आफरीदी के मैं करूंगा मैं कप्तान हूं ये टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में कप्तानी करेगा पाकिस्तान की भाई उसने रख के छक्का मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉर्ट बॉल कराई जस्ट शॉर्ट ऑफ अ लेंथ रख के छक्का मारा और बाबर आज़म से वैसे बेटर नहीं लग रहा है मैं कितनी बार बोलता हूँ पाकिस्तानी मेरे से बहस करते हैं कि भाई प्लेयर वो है जो मैच फिनिश करके दे ये 21 साल का लड़का शक्ल इसकी प्रीति झिंटा जैसी और काम इसके जावेद मीज़ाद वाले मतलब मैच फिनिश करके आया है कहीं पे बीच में रुका नहीं विकेट्स भी गिरती रही मुझे लगा चलो इसके पास तो बैटिंग नहीं है रायली रूसो आउट हो गया ऊपर से तुम्हारा कौन आया था भाई वो Ford, रदर रदरफोर्ड तो बाद में आया ना पहले कौन आया जेसन था जेसन रॉय आउट हो गया रायली रूसो आउट हो गया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आउट हो गया सबके सब आउट हो गया ये नहीं आउट हुआ अकेला मारता रहा मारता रहा मारता रहा प्लस के एक ओवर में दो छक्के मार दिए शाह अफरीदी जी मैं हूं पाकिस्तान का कप्तान लेले कप्तान बन ले ले बच्चे ने ठोका है भाई इक्कीस साल के बच्चे ने कम से कम बाबर आजम को थोड़ी शर्म होनी चाहिए उसको भी देखना चाहिए कि मैच फिनिश कैसे करते हैं और कहीं पे भी बौखलाया नहीं वो प्रेशर नहीं लगा उसके शक्ल के ऊपर सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊं उसकी टेपिया को तो पूरी दुनिया मारती है और मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये वाला यार स्क्रीनशॉट जरूर शाह ने उसके सर पे ऐसे किया ना यूं यूं करके करा है हालांकि दिल में दिल में तो गुरो हो गया यार बच्चे ने ठोक दिया लेकिन उसकी शाबाशी दी है उसको अच्छा अच्छा लगा मुझे ये बात सबसे बड़ी मैच की शॉट ही वो थी जो इसने शाहन शाह अफरीदी के ओवर में पहली बॉल पे छक्का मार दिया फर्स्ट बॉल थी मेरे ख्याल से जैसे ही वो आया बाद में लास्ट में डेथ ओवर में वो आया आई थिंक तीस इकतीस रन चाहिए थे चार ओवर में चार ओवर में तीस इकतीस रन चाहिए थे अगर वहां पे शाहीन इसको आउट कर लेता मैच पलट सकता था बट इसने बोला ऐसा कुछ नहीं हो रहा आज हम मैच जीत रहे हैं ख्वाजा नफे को आप देखिए भाई 200 की स्ट्राइक रेट से मारा है यार कौन है ये ये शक्ल से प्रीति जिंटा डिम्पल वाला लड़का हंसे जा रहा है हंसे जा रहा थे कभी भी दोनों गालों में दोनों गालों में डिम्पल बॉय ये डिंपल इज और पूरी टीम को देख लो जेसन पे 24, 126 की चलो सकील अच्छा खेल उसे सरफराज अहमद 8 में 11 कुछ नहीं रदरफोर्ट बारह में, कुछ नहीं।, में कुछ नहीं अकील उसे नौ पे नौ मतलब सबने अगर ये आउट हो जाता ख्वाजा नफे तो ये मैच हार जाते अकेला मारता रहा तीन छक्के मार दिए चार चौके मार दिए और ये तीन भाई

लेकिन कोई तुम्हें तो चला गया फया की इकॉनमी है सिकंदर रजा ने थोड़ी कर ली जहां खान वो भी ग्यारह की इकोनॉमी मतलब सारी सबकी बिटाई हुई है और आप देखो कि यार ये पिछला मैच भी दो ओवर पहले हार गए थे आज भी एक दो ओवर पहले मैच डेड हो चुका था हाँ, क्या ओवर में पांच चार रन चाहिए दो ओवर में ग्यारह रन चाहिए

होते हैं ना वहां पर भी ख्वाजा नफे अपने नो लुक सिक्स के लिए बहुत फेमस है और आज इन्होंने हारिस रॉफ को भी नो लुक सिक्स पे दे दिया यार और इसने देख आप इस लड़के की मैं क्यों तारीफ कर रहा हूं मेरे को मैच में जैसे बड़े पसंद आते हैं जो अग्रेसिव क्रिकेट एच बी के चौथे मैच में लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए एक रन बनाए जिसे क्वेटा ग्लेडिएटर ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया लाहौर कलंदर की जानब से साहबजादा फरहान बासठ रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे जबकि जहांदाद खान ने पैंतालीस रन की जारहाना इनिंग्स खेली जहादाद खान ने सत्रह गेंदों पर चार छक्के और तीन चौकों की मदद से अपनी इनिंग्स मुकम्मल की कोटर ग्लेडिएटर ने लाहौर कलंदर का एक सौ का हदफ पाँच गेंदें कबल हासिल कर लिया और यूं लाहौर कलंदर को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा कोटर ग्लेडिएटर के ख्वाजा नाफी ने 31 गेंदों पर 60 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली जिसमें तीन छक्के और चार चौके शामिल थे वाज है कि कोटा ग्लैडिएटर की यह मुसलसल दूसरी कामयाबी है और इस वक्त कोटा ग्रेडिएटर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर रैंक कर रही है कोटा ग्रेडिएटर के खाजा नाफ़े वाहिद प्लेयर हैं जो कोई डोमेस्टिक मैच खेल नहीं आए बल्कि वो फेसबुक के थ्रू पी एस एल में आए हैं इस बारे कोयटा क्लेडिएटर के सबक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि ख्वाजा नाफे की सिलेक्शन फेसबुक पर उनकी बैटिंग वीडियो देख कर की गई है अबतः इससे पहले वो बी पी एल का हिस्सा जरूर रहे हैं और फिर कोयटा ने इन्हें पी एस एल के लिए मंतब किया सरफराज का कहना था कि ख्वाजा नाफे बाहत और मुस्तबिल का स्टॉर है ख्वाजा नाफे की बैटिंग के दौरान कमेटर्स भी उनकी तारीफ के बगैर ना रह सके उनका कहना था कि जिस तरह और जिस अंदाज में ज़रूरत पड़ने पर ख्वाजा नाफ़े बड़ी हिट और अच्छी गेंद पर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं वो कहीं से भी नौजवान खिलाड़ी नहीं लगते